लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरखास्त पर स्पीकर के नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबरान को डीनोटिफाई करने का इकदाम मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने नोटिफिकेशन न लगाने पर स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का इकदाम मुअत्तल नहीं किया। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन अटैच कर दिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत स्पीकर की जानिब से 42 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कलदम करार दे। अदालत ने स्पीकर के नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया।